बहुत ही आसान चीज़ है लेकिन दिखने में बहुत कठिन लगती है। अगर आप एक चीज़ इसको समझ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है इस बारंबारता से आसान कोई चीज़ है। तो देखिए बारंबारता क्या होती है, देखिए समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले लिया है मैंने। परिभाषा कह रही है कि किसी संख्या में बारंबारता वह संख्या है, इसे पता चलता है आंकड़ों में वह संख्या कितनी बार आई, मतलब कौन सी संख्या कितनी बार रिपीट हुई है। ठीक है, चलिए एक मैंने ले लिया है 6 7 9 14 15 9 12 15 14 9 12 14 15 7 6 12 14 6 9 14 14। ठीक है, ये हुआ और मैंने इसको क्रम में लिख लिया है, आरोही क्रम में लिख लिया है। आरोही क्रम को पता ही होगा क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ चले जाते हैं तो होता है आपका आरोही क्रम। चलिए बात करते हैं, तो देखिए चाहे तो ना भी लिखें, आप ऐसे भी कर सकते हैं समय सेविंग के लिए, लेकिन अगर आप लिख लेते हैं तो गलती होने का चांस कम हो जाता। तो ये क्रम संख्या है और ये देखिए कौन से नंबर आए हैं, 6 7 9 12 14 15 ये नंबर से जो आए हैं, और इधर वो नंबर्स लिखे हैं कितनी बार आए हैं। जैसे 3 आया है 6 आया है 3 बार 7 आया है 2 बार 5 9 आया 5 बार 12 आया 3 बार 14 आया है 6 बार और 15 आया है 3 बार। तो जो अंक जितनी बार आया है उतनी बार मैंने यहाँ बारंबारता लिख ली है। तो समझ में आई हो गई बात कि जैसे 6 की बारंबारता 3 है 7 की बारंबारता 2 है 9 की बारंबारता 5 है 12 की बारंबारता 3 है 14 की 6 है और 15 की 3 है। मतलब अगर दी हुई है किसी संख्या की किस बारंबारता इतनी है, तो कहने का मतलब है कि उस आंकड़े में वो अंक उतनी बार आया होगा, यही बारंबारता कहती है हमारी। चलिए अब टैली चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं। टैली चिन्ह का मतलब है इस ये बारंबारता को निरूपित करती है। तो 3 है तो 3 ऐसे खींच दिया, बहुत ही इजी चीज है ये। ठीक है, 4 तक तो ऐसे चलेगा, लेकिन जब आप 5 पे पहुंचेंगे तो ये 3 ऐसे लग जाएगा। ठीक है, ओके। फिर देखिए 3 पे है फिर ऐसे, जब 6 पे आएंगे तो 2 3 4 5 ये हो गया और ये 6, फिर 1 2 3 तो ये हो गया आपका। तो ये आपकी रही बारंबारता। अब बात कर लेते हैं आंकड़ों का निरूपण और कैसे किया जाता है, ये देख लीजिए। तो बेसिकली अभी मैं 4 टाइप से बता रहा हूँ करने के लिए, ठीक है। एक है, इधर आ जाता हूँ मैं, एक है चित्र आरेख, एक है दंड आरेख, एक है आयत आरेख, एक है वृत्त आरेख। ठीक है, देखिए जो सांख्यिकी है इसको हम लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है तो डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं। ठीक है, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर ये पाई आरेख तो खून पी मतलब बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आता है एसएससी का एग्जाम हो चाहे बैंकिंग में, तो बहुत तगड़ा आता है। तो बात करते हैं चित्र आरेख की, बात कर लेते हैं चित्र आरेख। देखिए ये एक दुकानदार है, ये दुकानदार है और ये घड़ी बेच रहा है। सोमवार को उसने 3 घड़ी बेची, मंगलवार को 2 बेची और बुधवार को 1 घड़ी बेची। तो ये बनाया गया, इसमें चित्र बनाया जाता है उस चीज़ का। ठीक है, अगर बुक पढ़ी वाली बेची होती तो बुक, तो ये बहुत कठिन, देखिए मैं ही घड़ी नहीं बना पाया ढंग से। ठीक है, तो ये चित्र आरेख है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है। जैसे जब नंबर्स की बात आती है, जैसे अभी मैं बच्चे के लिए लेकर आया हूँ, तो उसमें जैसे 1 है तो 1 चित्र बना है, 2 दिखा 2 3 है तो 3 10 है तो 10 चित्र बने हुए हैं। ठीक है, वो भी एक टाइप का डाटा ही है। चलिए अब दंड आरेख की बात कर लेते हैं। दंड आरेख देख लीजिए आप, डंडे की तरह है, दंड आरेख है ये। तो इसमें हिंदी गणित अंग्रेजी विषय हो, ये नंबर एक तरफ डिनोट कर दिए गए, अंक कितने मिले हैं। ठीक है, ये आयत आरेख देख लीजिए, एक अच्छा 6 7 8 है, तो इसमें बॉयज गर्ल्स का ये टोटल है इतना। ठीक है, मैंने वैसे रफली बनाया है, कोई कैलकुलेट नहीं करेगा। ठीक है, तो समझाने के लिए बना, कोई क्वेश्चन नहीं लगा रहा हूँ। इसी तरह बॉयज गर्ल्स एक अच्छा 7 का और एक अच्छा 8 का। ठीक है,
इसी तरह वृत्त आरेख है, आदमी किसी गांव में जो है आबादी 7,000 है और आदमियों की संख्या 70% है और महिलाओं की संख्या है 28% और बच्चे हैं 2%। तो इस तरह के आपका निरूपण होगा। अब पढ़ रहा है तो देखिए, एक दंड आरेख मैंने बना के रखा है। इसमें सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय है और इधर देखिए अंक दिए हुए हैं, ठीक है। तो कितने कितने अंक पा रहे हैं और ये कितने ये विषय हुए हैं, ठीक है। तो ये है एक आपका दंड आरेख, इससे बहुत सारी सूचनाएं आपको मिल सकती हैं। सबसे पहले तो कितने विषय में कितने नंबर मिले हैं ये आप देख सकते हैं। मैं केवल तरीका बता रहा हूँ, ना कि सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि सवाल ऐसे ही होंगे तब आप ये करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का मान लीजिए सवाल है, तो इसमें कम से कम 100 क्वेश्चन के आंसर मिल सकते हैं आपको। चलिए देख लीजिए। तो सबसे पहला आपको सबसे ज्यादा किस विषय में नंबर मिले ये पता चल सकता है, किस विषय में सबसे कम मिले वो पता चल सकता है, किस विषय में 50 से ज्यादा नंबर मिले ये बता सकते हैं आप, और ये भी बता सकते हैं कि किस विषय में 60 के ऊपर मिला है उसको नंबर, 70 से ऊपर मिला है ये पता कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, अधिकतम अंक, न्यूनतम अंक, और इस दंड आरेख से क्या हम जान पा रहे हैं, हमें जान पा रहे हैं कि किस विषय में कितना अंक मिला, ठीक है। ये भी पता कर सकते हैं किस विषय में किस विषय से ज्यादा नंबर मिले, ये भी ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। किस विषय में क्रम से नंबर लिख सकते हैं कि हाँ क्रम से लिखिए कि किस विषय में कितना मिला, आरोही क्रम अवरोही क्रम में लिखिए, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो ये रहा आपका दंड आरेख की बात। अब बात कर लेते हैं ये चीज़ जो है बहुत ही आगे जब आप पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में जाने वाली है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन निकले, एक अलका लड़की है जिसको कुल मिले हैं 540 अंक, और देखिए इसमें देखिए जो पूरा होता है ये वृत्त, ये होता है 360 डिग्री का, ठीक है। तो 360 डिग्री का टोटल है और अंक दिखा रहा है 540 अंक। तो चाहे तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है अंक दिया है 105 है, ठीक है, 105 अंक दिया है, तो पूछ रहा है कि कोण का क्या मैटर है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 105 अंक, तो 540 का दिखा रहा है 360, ठीक है। तो एक का 360, एक एक नियम लगाया हमने, 105 का को मल्टीप्लाई किया है 70 डिग्री एंगल, ठीक है। इसी तरह हमने ले लिया अंक पता करने के लिए, क्या कर लिया, तो 360 का दिखा रहा है 540, 360 का दिखा रहा है 540, फिर एक के लिए क्या एक एक नियम लगाया, तो 540 बटे होगा 360, फिर 90 के लिए कैलकुलेट किया इतना। इसी तरह सारे विषय का आप जो है पता कर सकते हैं आसानी से। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि किस विषय में कितना नंबर मिला, ये भी पता कर सकते हैं कितने परसेंट नंबर मिला कितने, और ये भी पता कर सकते हैं किस विषय में किससे ज़्यादा नंबर मिला, ठीक है। और ढेर सारे ये भी पता कर सकते हैं कि 3 विषय मिला के और 2 विषय मिला के किस में ज़्यादा नंबर मिला। इससे कम से कम 30-40 क्वेश्चन आसानी से इस ग्राफ से बन सकते हैं, ठीक है। ये DI खासकर बैंकिंग सेक्टर में जब आप BPO का एग्ज़ाम देंगे या फिर क्लर्टिकल एग्ज़ाम देंगे तो फिर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डिटेल तो बहुत ही ज़्यादा है, फिलहाल मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा किसी भी टॉपिक पर। ये बारंबारता की बात हो रही है, बारंबारता के बारे में हमने बताया था। एक चीज़ और इसमें इंक्लूड हो रही है, समांतर माध्य की बात कर लेता हूँ। समांतर माध्य देखिए लिखा हुआ है, वह मान जो दिए हुए पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देने पता होता है, सभी पदों का योग पदों की संख्या, ठीक है, बटे पदों की संख्या सभी जोड़ दिया, ठीक है। तो देखिए ये भार है, ये बारंबारता है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पता चल, देखिए 40 किलोग्राम के 8 बच्चे, 41 के 4, 42 के 6, 43 के 10, 44 के 6 और 45 के 6 बच्चे हैं, ठीक है। तो टोटल भार हमने निकाल लिया, ये आ गया आपका टोटल भार, और टोटल बच्चों को जोड़ दीजिए, तो टोटल भार से टोटल बच्चों को हमने भाग कर दिया जाए तो 42.5 किलोग्राम आ गया।